हे दोस्तों, अगर आपका गूगल एडसेंस पिन आ गया है, उसको आपने वेरीफाई कर लिया है, फिर आपको पेमेंट के ऑप्शन में जाना है। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको पेमेंट मेथड दिखाई देगा कि आप अपना जो पेमेंट है वो किस मेथड से लेंगे। तो उस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर अपना बैंक की डिटेल्स डालनी होगी, जिसके जो भी आपका बैंक है, जैसे आपका SBI का बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो उसको आपको यहाँ पर अपना मेंशन करना पड़ेगा कि उसकी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसमें आप सब जानते हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ आती है, स्विफ्ट कोड, ठीक है। तो स्विफ्ट कोड के बारे में बहुत सारे यहाँ पर नहीं जानते कि ये स्विफ्ट कोड होता क्या है। IFC कोड तो सुना है, ठीक है, वो सबके पास होता है, लेकिन स्विफ्ट कोड नहीं पता। तो आप अगर अपने बैंक अकाउंट में कॉन्टेक्ट करेंगे तो वहाँ पर कुछ ऐसे भी होंगे जिसको नहीं पता होगा कि स्विफ्ट कोड होता है। तो स्विफ्ट कोड का काम होता है कि जो बाहर से पेमेंट आता है, अदर कंट्री से पेमेंट आता है, वो रिसीव होता है स्विफ्ट कोड के द्वारा। तो इसलिए स्विफ्ट कोड बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पर आप जाएंगे तो उनसे पूछेंगे कि भाई मेरा जो स्विफ्ट कोड है आपके बैंक का, तो वो हमें बता दो। तो उनको भी पता नहीं होगा कि स्विफ्ट कोड कैसा होता है और कहाँ होता है। तो आपको क्या करना है कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर आप जाएंगे, तो उसमें अपनी कंट्री इंडिया सेलेक्ट करेंगे और स्टेट सेलेक्ट करेंगे और बैंक का नेम सेलेक्ट करेंगे, तो स्विफ्ट कोड वहाँ पर आपको आ जाएगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप लोगों ने एडसेंस अनबॉक्सिंग की वीडियो नहीं देखी है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं फुल। मैंने यहां पर ब्लॉग कंप्लीट ब्लॉग बनाया है, ब्लॉग टाइप का वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।